लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मेरा क्या मानना है बेसिकली मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बिलीवर हूँ और मेरा मानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलवाने के लिए लग जाती है और ये मेरा मानना है कि ऐसा होता है अगर सच्चे दिल से कोशिश करो अपनी बात बताऊँ तो मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से तो मैं क्या करता हूँ मैं अपने फोन में नोट्स ऐप खोलता हूँ उसके अंदर जो भी चाहिए होता है ना मुझे वो लिख देता हूँ हे यूनिवर्स आई वॉन्ट दिस थिंग और मैंने ऐसा देखा है जब भी मैंने लिखा है दिल से लिखा है सच्चे दिल से तो मुझे वो चीज़ बहुत ही जल्दी मिली है पंद्रह बीस दिन के अंदर मिली है और मैं अभी एक डेढ़ साल की बात कर रहा हूँ मैंने इसी के अंदर ही पाँच छः बार ये चीज़ टेस्ट करके देखी है पर सच्चे दिल से वो अचानक थॉट आना चाहिए अरे करना है इसलिए नहीं करना लालच आ रहा है ओ अभी मेरा मन कर रहा है मेरे को सौ करोड़ रुपये का आना है और मैं लिख दूँ हे यूनिवर्स गिव मी सौ करोड़ रुपया ऐसे नहीं अचानक वो थॉट आए और वो सॉलिड चीज़ हो तब जाके ये चीज़ें होती है मेरे लिए काम करती है मतलब प्लस एक चीज़ है जो कि मेरी थोड़ी सी इसके कॉन्ट्रडिक्ट्री है अपनी थ्योरी की वो ये है मैं थोड़ा डेस्टिनी बिलीवर भी हूँ डेस्टिनी बिलीवर मतलब मेरा मानना है सब कुछ लिखा हुआ प्री डिफाइंड है हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है फ्री विल नाम की चीज़ नहीं होती है कई लोगों को लगेगा ये चीज़ गलत बोल रहा हूँ मैं पर मेरा पर्सनली मानना है ये मेरा थॉट प्रोसेस है मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ शायद सही भी हो सकता हूँ मेरा मानना है लाइफ के जो बड़े बड़ी चीज़ें होती है ना वो डिफाइंड है चाहे आप कितनी भी जान लगा लो आप उसको बदल नहीं सकते आप पढ़ाई अच्छी कर लो और अगर आपको कुछ और बनना होगा तो आप बन जाओगे वही बनोगे चाहे आप कुछ भी करो मैं अपना पात लेके चलता हूँ मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है एम मार्केटिंग करी है मैं बचपन में वो बंदा था जो बोलता था टीचर पढ़ाते हैं ना जो कुछ नहीं कर पाते वो टीचर बन जाते हैं मैं पढ़ाता हूँ मेरे स्टार्टअप्स आ रहे हैं कुछ और हो रहा है मतलब वो चीज़ें कर रहा हूँ मैं जो कि मैंने शायद कभी बचपन में प्लान ही नहीं करी थी जो मैंने सपने सोचे थे मैंने सोचा केमिकल की फैक्ट्री लगाऊंगा केमिकल का काम करूँगा ये करूँगा वो करूँगा डायरेक्शन ही बदल चुकी है पूरी पूरी लाइफ की और अपने आप ही हो रहा है और मैं कितनी कोशिश करता हूं कई बार अपने आप को उधर ले जाने की अपने आप ही किस्मत मुझे कोई भी चीज़ मुझे वहां पर ले जाती है ये मेरा पर्सनली मानना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं इसे जोड़ने की कोशिश करूं वो मेरे को पता है मेरा एंड गोल ये है तो अचानक ही मेरे थॉट में आता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए जो कि पहले से प्री डिफाइंड था और मैंने वो लिख दिया और मुझे वो मिल गया और ये तुक्का सेट हो गया वो भी मानना है तो मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि ये चीज़ें हवाबाजी वाली बात है पर मैं डेस्टिनी बिलीवर हूं आपको क्या लगता है जो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है नीचे कमेंट के अंदर बताओ कि आपको लगता है कि डेस्टिनी होती है या फिर फ्री विल है भाई जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे अभी मैंने कहा है इस वीडियो को लाइक करो और आपने लाइक कर दिया क्या ये फ्री विल थी या फिर नहीं थी और अगर आपने नहीं किया क्या ये फ्री विल थी या फिर नहीं थी पता नहीं